ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में, हूँ आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त हमारी टीम आप पहुंची है मुंगेर जिला में, और ये जो है कांवरिया पथ है, ये कांवरिया पथ है, देख सकते हैं कांवर का जत्था चल रहा है। और इस कांवरिया पथ में लालू के भक्त मिल गए हैं, लालू यादव के भक्त मिल गए हैं, जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ। सुबोध कुमार जी, ये जो ढांचा है लालू के प्रति कितनी आस्था है? जी क्या कहें, लालू जी हमारे लिए भगवान समान है। क्या बात है, भगवान समान है, दलितों के मसीहा है जी। लालू पिछड़ा, अति पिछड़ा, हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं जी, जी। फिर भी हमें गर्व है कि हम लालू यादव का सिपाही हैं और ग्रेजुएट सिपाही हैं। लेकिन धर्म का काम करने जा रहे हैं, पुण्य का काम करने जा रहे हैं, वहाँ पे ये लालू यादव का पहन रखे हैं, लालटेन छाप रखे हैं, या प्रचार तो नहीं करने जा रहे हैं? देखिए इसमें प्रचार का कोई जगह ही नहीं है, हम सिर्फ जा रहे हैं। देखिए वो आस्था है, पहले हम भी डाक में जाते थे और ये भी हरा ड्रेस भी चलता है, सावन में हरा ही कपड़ा चलता है। वैसे गेरुआ वस्त्र हम लोग कुछ कम पहनते हैं। सावन में हरा क्यों चलता है? सावन में गेरुआ चलता है, गेरुआ धारी चलता है सर, चलता है। लेकिन गलत क्यों बोलते हैं? देखिए हरा भी चलता है। नहीं हरा नहीं चलता, गलत मत बोलिए, गेरुआ चलता है, गेरुआ में चलते हैं। ये बताइए लालटेन जो है रात में जलती है? हाँ जलती है। लालू यादव के प्रति आपको आस्था है जी? है। लालू यादव के बेटे के प्रति क्या है आपको? हम तेजस्वी यादव का फैन है, तेज प्रताप यादव का फैन है। हाँ, जी और हम अभी जो देवघर जा रहे हैं, सुल्तानगंज से जल लिए हैं और डाक बम के माध्यम से जा रहे हैं। ठीक है, लालू यादव का। और देखिए मेरा जाने का मकसद है, हम भोले बाबा का मतलब ये सबसे बड़ा भोले बाबा का पुजारी है और लालू यादव का फैन है, तेजस्वी यादव का फैन है, आरजेडी का फैन है। लालू यादव के तीन काम बता दीजिए आप। देखिए ना पहले काम बता दे, पहले सुन ना लीजिए मेरा, बतिया ना पहले सुन लीजिए। सबसे पहला काम हम आपको बता रहे हैं, काम बता रहे हैं। ये जो आज बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं या हम बोल रहे हैं, ये लालू जी का आवाज दिया हुआ आवाज है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और आप दूसरा बस सवाल आप बोलिए। हम ये पूछते लालू यादव का जो बेटा है, क्या भविष्य के मुख्यमंत्री बनेंगे वो? तेजस्वी यादव जी के लिए तो जा रहे हैं, जा रहे हैं। तेजस्वी यादव, देखिए ये बैनर आप इसको ढके हुए हैं थोड़ा सा, इसमें बेल्ट लगाने में बैनर पे लिखा हुआ है कि तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाने की कामना के लिए डाक बम सुल्तानगंज से देवघर, डाक बम पैदल कांवर यात्रा। पैदल कांवर यात्रा जी, कितने घंटा में पहुँचेंगे आप? लगभग 16-17 घंटे। ये बताइए, तेजस्वी ने कहा था हमारी सरकार बनते ही 10 लाख को रोजगार देंगे, मगर उन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया, क्या कहेंगे आप? अभी तो देखिए, अभी तो सरकार में मेन रूप से नीतीश चाचा है और हम लोग नीतीश के से डिप्टी सीएम तेजस्वी है ना। हाँ देखिए तो रोजगार दे रहे हैं ना, रोजगार तो आपको इतना, अभी वॉइस कैप्टन है तो वॉइस कैप्टन में जब 3 लाख और 5 लाख का रोजगार मिल गया अभी तो पूरा कैप्टन बनने ना दीजिए, 10 लाख क्या 20 लाख का रोजगार आ रहा है। बताइए इतिहास का काला दिन मनाया गया, बीजेपी के दिग्गज नेता को सर फोड़ दिया गया, मृत्यु हो गई, क्या कहना चाहेंगे आप? अब धर्म, हम धार्मिक जगह में जा रहे हैं, धार्मिक क्षेत्र में, इस तरह का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए लालू यादव के प्रति जितनी आस्था थी आपकी, उतनी आस्था तेजस्वी के प्रति है? जी है, बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल। कहाँ घर हुआ आपका? जी मेरा घर मसौली विधानसभा में होता है, पड़ता है, और मेरा नाम सुबोध कुमार है। सुबोध कुमार जी, जिला कौन हुआ आपका? पटना जिला से। पटना जिला हुआ, कितने घंटा में पहुँच जाएंगे आप कांवरिया? 17-18 घंटा। 17-18 घंटा में। सचमुच में दलितों के मसीहा जैसे लालू यादव थे, क्या वैसे तेजस्वी हैं? क्या बन पाएंगे? अभी है ना, देख ही रहे हैं हम लोग, देखिए हम लोग अति पिछड़ा हैं, हमको मानते हैं, आप जो राम जी को मानते हैं जी? राम जी को मानते हैं, भगवान को मानते हैं? राम जी के, हनुमान जी के अनन्य भक्त आए थे हमारे बिहार, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी है, उन पे कॉमेंट किया था तेज प्रताप, क्या कहना चाहेंगे? देखिए आप उल्टा उल्टा सवाल बोल रहे हैं, बिल्कुल तेज प्रताप के भक्त है ना। आपको पूछना चाहिए कि बम आप देवघर जा रहे हैं तो आप किस उद्देश्य से जा रहे हैं? बिल्कुल, उद्देश्य क्या आपको बताइए? उद्देश्य है तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं, और तेजस्वी यादव बहुत जल्द यानी 18 तारीख को आपको पता होना चाहिए कि विपक्षी एकता का बैठक हो रहा है बेंगलुरु में, वहाँ पर सिर्फ हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश चाचा जी, ये घोषणा करने वाले हैं कि अब हम तेजस्वी यादव को अपना गद्दी दे रहे हैं, उसके बाद उनको हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। तेजस्वी को नहीं, नीतीश चाचा को। नीतीश को? हाँ हाँ। अभी जैसे ही तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, नीतीश चाचा को तो फिर उनको तो काम चाहिए, चूंकि अच्छा काम बिहार के लोग कह रहे हैं कि नीतीश को बिहार समझ नहीं रहा, वो भारत कैसे संभालेंगे? सो वो
देखिए कुछ लोग का काम कहना, जैसे हम ही जा रहे हैं डक में जा रहे हैं ना, बहुत कष्ट से जाएंगे, आपको तो पता होना चाहिए, पैर मतलब फट जाता है, देख लीजिए और पूरा फोका हो जाता है, बहुत कष्ट है, क्योंकि 16-17 घंटा में जाना और ये पूरी तरह से, फिर भी लोग कहेंगे कि ये नौटंकी कर रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा, तो 10% काम है। अभी भी हमको गर्व है कि 100 में जो भी हमारे अभी देख रहे हैं दर्शक, जितने बम मिले हैं रास्ता में, तो 100 में 90 लोग कह रहे हैं कि आज भी लालू यादव का भक्त जिंदा है। हमें गर्व होता है कि तेजस्वी यादव का हम अति शिष्य आती है, मतलब फैन है, और लालू यादव का फैन है। और 2-4% लोग थोड़ा सा जो बीजेपी माइंडेड होते बोल देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चूँकि हम लोग लालूवादी सेना के हैं और तेजस्वी यादव का ग्रेजुएट। चलिए यह बताइए, भोलावासी क्या कामना करेंगे कि तेजस्वी की सरकार फिर आगे बनेगी? बिल्कुल, हम सिर्फ देखिए, हम भोले बाबा का सबसे पहले भोले बाबा से मेरा प्रार्थना है। इससे पहले हम 2019 में गए थे, उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी जेल में थे, तो जेल से रिहाई के लिए इसी तरह से सिर्फ वस्त्र चेंज था, गेरुआ कलर था, तो जेल से रिहाई के लिए डाक कांवर यात्रा किए थे। और हमारे अर्जी भोले बाबा, जो हम उनका भक्त हैं, 9 साल जा रहे हैं, सुन लेते हैं, तो तुरंत जब गए ना, उसके बाद 2-3 महीना में उनको बेल हो गया, वो आ गए, ठीक है। उसके बाद तो फिर हम सोचे, उसके बाद से 2019 के बाद इस बार जा रहे हैं, बीच में लॉकडाउन हो गया था और एक साल हम अपने तैयारी में नहीं थे। मेरा अंतिम सवाल आपसे है, बिहार के जो कहे जाने वाले शेर मनीष कश्यप, उस पर जो है तेजस्वी के द्वारा NSA लगा दिया गया, क्या कहना चाहेंगे बता दीजिए, अंतिम सवाल है। देखिए आपका सवाल है उठपटांग है, ना जो बिहार के शेर है, बिहार के पत्रकार है, पूरे बिहार के लोग कहते हैं। देखिए पत्रकार का कोई मतलब राजनीति से कुछ मतलब नहीं होता, ना कोई पत्रकार का धर्म होता है। बिहार की आवाज है कि बिहार के शेर को बंद कर दिया, बिहार की आवाज है, लेकिन मनीष भैया को बीजेपी वाले लोग ज्यादा ये करते हैं कि हमारे, उनको लगता है बीजेपी वाले को कि आने वाले समय में मनीष भैया बीजेपी का उम्मीदवार होंगे। खैर उनका अपना सोच है, हम लोग तो हमेशा सोचते हैं। अंत में बता दीजिए, क्या तेजस्वी ने मनीष कश्यप के लिए सही किया, अंत में बता दीजिए प्लीज। देखिए अब धर्म के नहीं जा रहे हैं, बता दीजिए। देखिए धर्म पर जा रहे हैं तो धर्म के नाम पे आस्था पे आप आती नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिहार की शेर है, बिहार की आवाज है, उनको जो है बिठा दिया गया। बिहार का शेर सिर्फ और सिर्फ अभी तक आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनके बाद हम किसी को शेर नहीं मानते हैं। आपके नजर मनीष कश्यप कैसे पत्रकार हैं? मनीष कश्यप पत्रकार तो बढ़िया है, बढ़िया है। चलिए तो ये थे मेरे साथ रूप से बढ़िया पत्रकार हैं। और देखिए सबसे बड़ी सवाल, आप पत्रकार हैं, आपको हम जनता जंक्शन के जो एडिटर इन चीफ हैं, क्या नाम उनका मोहित कुमार और प्रशांत राय, तो प्रशांत भैया बता रहे थे कि मनीष कश्यप के लिए 3 समर्थक जा रहे हैं, अभी तक तेजस्वी यादव का कोई कैडर नहीं आया है, कोई तेजस्वी यादव का फैन नहीं आया है, जो देवघर जा रहा है, तो हम उनको बता रहे हैं स्पेशली कि देखिए आज भी लालू यादव का शेर जिंदा है और तेजस्वी यादव का फैन आज भी जिंदा है, हम लोग बहुत कष्ट से जा रहे हैं और पूरी तरह से रंग के जा रहे हैं, प्रशांत भैया को आप बता दीजिएगा कि तेजस्वी यादव को चाहने वाले आज भी लाखों है, उसमें हम एक हैं। तो ये थे मेरे साथ RJD के महाप्रशंसक लालू यादव के चहेते हुए, जिसको आपने सुना मनीष कश्यप के बारे में उन्होंने क्या कहा, और ये जा रहे हैं डाक बम के द्वारा बोलबम जा रहे हैं, इनके बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स में दे और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। मैं प्रमोद कुमार विदा लेता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।